इरसा, मैं बाद में बात करती। इरसा, मुझे पूरा यकीन था तुम आओगे। देखो बानू, मेरे आने का कोई और मतलब मत निकालना। तुमने कहा इसलिए मैं आ गई। कैसी तबीयत है उसकी? उनकी हालत बहुत खराब है। जिंदा है, बहुत खून बह चुका है। खून? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है इरसा, डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे। सब कोशिशों में लगे हुए, मोहल्ले वाले, उनके दोस्त, सब लोग, हम भी। डॉक्टर्स ने कहा है जितना हो सके खून का बंदोबस्त करें, तो प्लीज उनके लिए दुआ करना। मोहब्बत नहीं कर सकती, दुआ तो कर सकती हूँ ना। आओ बैठो। अच्छा, तुम साइड पे ही हो? ठीक है। नहीं, जोया को मैंने ब्रीफ तो दे दिया था सारा। ठीक है, बस वो जैसे ही मुझे चेक करवाती है, लेट यू नो। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो ठीक है, मैं आइजल की कॉल आ रही है यार, मैं करता हूँ बात। ओके, लगता है मेरी बेटी की नाराजगी खत्म हो गई है थोड़ी। आपसे मैं ज्यादा देर नाराज रह सकती हूँ? I love you for this. अच्छा पापा, मुझे पूछना था किसका एक्सीडेंट हुआ है? Because ऐसा, I mean, छोटी मामा बहुत परेशान होके घर से गई हैं। नहीं नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ किसी का। इरसा तो अपने अबू से मिलने गई है घर। नो पापा, मैंने उन्हें फोन पे बात करते हुए सुना है। आई थिंक उनके मोहल्ले में किसी लड़के का एक्सीडेंट हुआ। खैर, आई वाज जस्ट वरीड यू नो, इसलिए पूछ लिया।